जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूर्व सैनिक लीग और महिला लीग द्वारा छोटी काशी मंडी में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। साथ ही इस हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं प्रदर्शन पर उतरे पूर्व सैनिकों व महिला विंग के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने भी रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आतंकी हमले की जमकर निंदा की। आज हमने जो यहां पर आक्रोश रैली निकाली है, ये हमारे जो अर्धसैनिक बल और स्थानीय लोग और एक्सर्विसमैन जितने भी हमारे जिला के हैं सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हम जो कातिलनामा अभी हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और पाकिस्तान के लिए हम खुली चेतावनी देते हैं कि वो अपने मनसूबों से बाज आए, अन्यथा उसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। अगर वो दूध मांगेंगे तो हम खीर देंगे और अगर कश्मीर मांगे तो हमें चीर देंगे। यही हमारा मकसद है और पूर्व सैनिक होने के नाते हम आज भी अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि अगर सरकार हमें इसकी इजाजत देती है तो हम उनसे बदला लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आज मंडी में जो पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिक, उनके आत्मा की शांति के लिए मौन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के विरोध में रोष रैली निकाली गई, जिसके लिए हमने सीआरपीएफ, आर्मी और महिला विंग, जो हमारा हिमाचल डिफेंस वुमन वेलफेयर एसोसिएशन है, सभी ने मिलकर के रोष रैली निकाली शहर में। और हम चाहते हैं कि सरकारें जो हैं इस पे कड़ा से कड़ा कदम उठा के अपनी जो कूटनीति है उसको भी शुरू करके पाकिस्तान के विरोध में जो है ठोस कदम उठाएं और हमारे शहीदों को न्याय दिलाए। और आगे के लिए भी हम चाहते हैं कि भारत में इस तरह के आतंकी हमलों को खत्म किया जाए, इन्हें बंद किया जाए। वहीं पंडोह में भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों, दुकानदारों और व्यापार मंडल ने कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रकट किया। कैंडल मार्च जूनी रोड से आरंभ हुआ और मेन बाजार स्टेट बैंक तक निकाला गया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि देश के जवानों के साहस को लेकर भारत जिंदाबाद के नारे भी जोरों से गूंजे। कार्यक्रम के दौरान पंडोह व्यापार मंडल व महिला मंडल ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वासियों ने जो पुलवामा में कर था हमला किया था पाकिस्तान की सेह पे, जिन आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों पे, निहत्थों पे बम चलाए, सारे देशवासी जो है सारे भारतवासी एक हो गए। और पाकिस्तान की सेह पे जो एक कारना हमला किया कायरता पूर्वक, उसका जवाब जो है हमारी सरकार देगी। और सरकार को आश्वासन दिलाते हम कि हम पूरे देशवासी एक हैं और इसका बदला, खून का बदला खून लिया जाए। से पहले इन पाकिस्तानी से ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जब भी वार किया, पीठ पीछे किया, दम है तो सामने आके करो ना, एक बार एक एक को घुस के मारेंगे पाकिस्तान में। क्यों पीछे से आके वार करते हो, दम में तो सामने से आके देखो ना एक बार, तब दिखाते कि इंडिया क्या कर सकता है। वो कहते हैं ना, अगर एक इंडियन पेशाब करेगा ना पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। वहीं पुलवामा में सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बल्लभ महाविद्यालय मंडी के विद्यार्थियों ने भी जमकर भड़ास निकाली। मंडी शहर में उन्होंने रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री मनोज पांडे ने इस आतंकी हमले का कड़े शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान पर जवाबी हमले में विलंब करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीदों की शहादत का बदला लेना चाहता है, तो केंद्र सरकार विलंब क्यों कर रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी महाविद्यालय से पूरे मंडी बाजार के अंदर तिरंगा यात्रा की गई, जो आतंकवादियों के द्वारा भारत के शहीदों को मारा गया था, उनके
भावनाओं को संजीदगी देते हुए और उनका अभी तक केंद्र सरकार ने कोई बदला नहीं लिया, उसकी विद्यार्थी परिषद मांग करती है जल्द से जल्द जो है हमारे शहीदों का बदला जो है केंद्र सरकार को लेना चाहिए, इसकी जो है विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। और विद्यार्थी परिषद की इस रैली में जो है हजारों छात्र छात्राओं ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारतीय सेना को यह हिंद का नारा जो है यहाँ पे दिया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है छात्र शक्ति के द्वारा यहाँ पे लगाए गए।